Hi everyone, myself Dr. Kapil Jain, Director of Momentum, Jabalpur Institute. Again, मैं आप सबके सामने हूं क्योंकि अब हमारे पास पेपर टू भी आ चुका है JEE Advanced 2017. तो वन बाय वन अपने फैकल्टी टीम के साथ मैं आपके साथ क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा. होप पेपर टू में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा. जैसे मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड है. इसको हम वैसे पी ब्लॉक फैमिली से रिलेटेड भी मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, दे आर वेरी रिनॉन्ड एसिड्स ऑफ फास्फोरस. पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस एटम, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है. तो वन बाय वन हम सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं. जैसे अगर मैं यहां पर H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो हमको मिलेगा +5 बिकॉज ऑल दीज आर नॉर्मल ऑक्साइड्स. तो इसलिए यहां पर फास्फोरस H3PO4 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. व्हाट अबाउट फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट इन H4P2O6? तो जब मैं यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूंगा तो आई गेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली इन H3PO3 because here 3 hydrogen तो ये हो जाएगा 3 into +1 और oxygen 2 -2 oxidation state because 3 oxygen atoms तो -6 हो गया. तो जब मैं इसमें phosphorus का oxidation state निकालूंगा तो +3 आ जाएगा. और H3PO2 में अगर मैं यहां पे phosphorus का oxidation state calculate करता हूं तो 3 into +1 हो जाएगा. phosphorus का x और oxygen का 2 into -2 = 0. तो जब मैं यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा व्हिच इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस तो मुझे क्या मिलेगा +1. तो हमसे पूछा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट P+5 हो गया, देन P+4 हो गया, देन P+3 हो गया और देन P+1 हो गया. तो इन सब में अगर करेक्ट ऑर्डर देखा जाए तो वो कौन सा आंसर सही है? सी इज द करेक्ट आंसर. तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. होप आप सबने इसको सही आंसर दिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसको हम मान सकते हैं कि इट इज रिलेटेड विद नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल बिकॉज इन फिनॉल OH ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. तो देखते हैं कि हम क्या क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा. मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, वी हैव NH2 group on benzene, it is primary aromatic amine, and OH group on benzene, it is phenol. और इस compound को react कराने के लिए बोला गया है NaNO2, that is sodium nitrite, in HCl solution at 0 degree Celsius. तो हम जानते हैं कि this is the reaction of primary aromatic amine diazotization reaction. तो जब मैं इस reaction को perform करूंगा तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे. दिस NH2 ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन इमीडिएटली कन्वर्ट्स इनटू डायएजोनियम सॉल्ट. इट इज डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड. नाउ सेकंड रिएक्शन जो हमको गिवन है यहां पर कि हमने इसको एक्वस एनवेस के साथ रिएक्ट कराया है. तो हम जानते हैं कि फिनोल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, इट इज एसिडिक फंक्शनल ग्रुप. तो ये इमीडिएटली O- माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड. बट एज वेल एज दिस डायएजोनियम आयन, इट इज वीक इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस O- माइनस आयन, इट इज वेरी पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, वेरी पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप. तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस एक्टिवेटिंग ग्रुप दिस वीक इलेक्ट्रोफाइल मेनली अटैक्स ऑन para position. If para is blocked, already blocked, then may attack on ortho position. But here, with respect to this O minus ion, its para position is vacant. So, isliye this diazonium ion immediately attacks on its para position. So, humko ye structure mil gaya. This is para attack. Kyunki aqueous solution humko given hai, to this phenoxide ion immediately wapas convert ho jayega OH group mein. तो इसलिए जो सबसे सूटेबल आंसर हमारे इस प्रॉब्लम का है वो हो जाएगा सी आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. हां स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड विद
basic strength of nitrogenous containing compounds. It is also related with general organic chemistry, acidic and basic strength of organic compounds. Question is, order of basicity among the following compounds. First option, it is substituted guanidine type compound. Second option, it is cyclic compound. Third option, it is aromatic cyclic compound. And fourth option, it is guanidine. So one by one, हम इनके जरा structures को discuss करेंगे, so that कि हम इनके basic strength को compare कर पाएं। ये देखिए, अगर हम guanidine को देखते हैं, तो guanidine में this lone pair of electron और this lone pair of electron, this lone pair and this lone pair is in conjugation with this pi bond. तो अगर मैं ये मान भी लूँ कि at a time कोई भी lone pair conjugation में participate कर रहा है, तो भी guanidine में 3 lone pair of electrons proton के लिए readily available है, और इसलिए इसको हम most basic organic compounds की category में रखते हैं. It is most basic aliphatic nitrogenous containing compound. इसके बाद हमारे पास methyl substituted guanidine type compound है, जिसमें हम देख रहे हैं कि this pi bond again conjugation with lone pair. तो अगर मैं इसको मान लूं कि यहाँ पर ये lone pair pi bond के साथ conjugation में है, तो भी हमारे पास दूसरा lone pair readily available है. And because it is aliphatic compound, तो after guanidine इसका नंबर ही आना चाहिए. It is less basic compound. What about this compound? In this compound, pi bond, this pi bond and this lone pair, this is all in conjugation. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये lone pair तो हमेशा 6 pi electron cloud को maintain करने में, 6 pi electron shell को maintain करने में participate करेगा. तो no longer available for proton. तो which lone pair is available for proton? Only this lone pair is available for proton. तो इसका मतलब ये जो compound है, ये least basic compound होना चाहिए, because this is aromatic nitrogenous containing compound. तो what should be the correct answer? C is the correct answer, जिसके अंदर हमने देखा कि guanidine सबसे ज़्यादा basic है, फिर substituted methyl guanidine, और उसके बाद जो aromatic nitrogenous containing compound है, वो least basic है. देखिए, this question is related with nucleophilic substitution reactions. जब हम पढ़ते थे, तो मैं आपको बताता था कि 101% एक question आपको इस chapter से, इस topic से मिलेगा ही, because this is major part of reaction mechanism. क्या है question? For the following compounds, the correct statement with respect to nucleophilic substitution reaction. हमको जो options given हैं, it is primary benzyl bromide. It is primary alicyclic compound. It is tertiary butyl bromide. And fourth option, secondary benzyl bromide. अब हमको जो options यहाँ पर given हैं, उनको यहाँ पर one by one हमको discuss करना पड़ेगा. First and third follow SN1 mechanism. तो हम जानते हैं जैसा कि SN1 में हमको हमेशा कार्बोकैटायन की stability को check करना पड़ता है. जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा stable हुआ, that will be most suitable for SN1 mechanism. So first, because it is benzyl bromide, it produces stable carbocation, it is suitable for SN1. Similarly, third, it is tertiary butyl bromide, it produces tertiary butyl carbocation, again stable carbocation, that's why suitable for SN1 mechanism. It means A option is correct. Second option, first and second follow SN2 mechanism. First, it is again primary benzyl bromide. And second, it is primary alicyclic halide. तो for SN2 mechanism हम क्या observe करते हैं? SN2 mechanism में हम दो factor observe करते हैं. First, halide should be less sterically hindered. तो here, अगर मैं इस alpha carbon के ऊपर देखूं, जिसके ऊपर nucleophile को attack करना है, तो definitely it is less hindered, primary halide है, तो it can undergoes SN2 mechanism. What about this benzyl halide? बेंजाइल हैलाइड में हम यहां पर अगर अल्फा कार्बन को देखें, तो अल्फा कार्बन के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज, दिस इज सेकंड फैक्टर फॉर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. पॉजिटिव चार्ज ऑन अल्फा कार्बन शुड बी हाई. व्हाई इट इज हाई? ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्ट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, इसलिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा,
और अगर इंक्रीज हो गया तो इट इज सूटेबल फॉर SN2 मैकेनिज्म. तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2 मैकेनिज्म. कंपाउंड 4 अंडरगो इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बिकॉज हियर किरेल सेंटर इज प्रेजेंट. दिस इज किरेल सेंटर एंड दिस हैलाइड इज सेकेंडरी हैलाइड. सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड. बेंजाइल हैलाइड तो सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड जनरली सूटेबल फॉर SN1 बट इट मे अंडरगो SN2 आल्सो पार्शियल इनवर्जन. तो कंपाउंड 4 अंडरगोस पार्शियल इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. एंड व्हाट अबाउट डी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ. इसके लिए हमको ऑप्शंस यहां पर गिवन है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो फोर्थ है, उसके बाद जो रिएक्टिव है वो फर्स्ट है और उसके बाद जो रिएक्टिव है वो थर्ड है. अब हमसे ये बोला गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बट फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर SN1 और फॉर SN2 इट इज नॉट क्लियर हियर. तो दैट्स व्हाई हम इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं मान सकते फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज नीदर फॉर SN1 नॉर फॉर SN2. तो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी विच ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए जैसा भी हमने डिस्कस किया SN1 के लिए फर्स्ट एंड थर्ड मोर रिएक्टिव. ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड सेकंड मोर सूटेबल फॉर SN2 एंड सी ऑप्शन. ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है उसमें हमने डिस्कस किया कि जो सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड है बिकॉज ऑफ किरेल सेंटर मे अंडरगो पार्शियल इनवर्जन. तो विच आंसर इज करेक्ट. ए बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स.